बीजेपी अगले साल विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से होगी। जोधपुर में 8 से 10 सितंबर तक बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। आपको बता दें कि 10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में करने की सबसे बड़ी वजह है कि राजस्थान में 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी विधायक चुनकर आते हैं। वही सिर्फ जोधपुर संभाल में 15 ओबीसी विधायक हैं, जिनमें 11 कांग्रेस और 4 भाजपा के हैं। ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को साधने में बीजेपी जुट गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड सदस्य के लक्ष्मण की अध्यक्षता में मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति होगी। देश भर के राज्यों में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल होने राजस्थान आएंगे। वहीं सभी को जोधपुर के 47 मंडलों पर एक एक घंटे के दौरे के लिए भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।